मैं आज आप लोग के लिए हिंदी में ग्रामर लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग GD भी ज़रूरत है, हिंदी भी आपकी ज़रूरत है, तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, वाग्दान संबंधित है, बताइए व्यंजन है कि दीर्घ है, तो यह व्यंजन है। सरोज का संधि क्या होगा, सर प्लस ज, यानी कि सी राइट है। अब आगे आते हैं 3 नंबर, स्वेच्छा का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सु प्लस इच्छा, एकदम राइट हुआ। आपको टोटल 156 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम है, ठीक है, बता सकते हो तो बता सकते हो। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, बताइए बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं कि दोनों, तो यह कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अनुनासिक संबंध है, बताइए अनु मतलब क्या होता है, नाक, न नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, तो यह नाक और मुख दोनों से होगा, अनुनासिक लग गया, ठीक है। केवल नासिक रहता तो क्या होता, नासिका मतलब नाक होता, लेकिन अनुनासिक लगा दिया, यानी कि नाक और मुंह दोनों के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के प्रमुख अव्यय क्या है, बताइए वर्ण, शब्द, पद या वाक्य, या शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार। तो भाषा आप बोल सकते हो, आपके लिए वर्ण चाहिए, शब्द चाहिए, वाक्य चाहिए, वर्ण चाहिए, शब्द चाहिए, पद चाहिए और वाक्य चाहिए, यानी कि ये होगा। शुभ शब्द चाहिए कौन है, सच्चिदानंद, कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ये बी होगा, एकदम राइट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब निम्न में से दृष्टि सबसे शुद्ध बताइए, संभ्रांत, कौन सा सही लिखा है, ये बिंदु वाला होना चाहिए, रूमित से एकदम सही है, बी नंबर। हिंदी ग्रामर गाइड्स, इसमें जो कि मिक्सअप है, ग्रामर भी है, नाउन प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, शब्द, वर्ण, ठीक है। वाक्य रचना होती है, बताइए संज्ञा से, क्रिया से कि पद से, तो वाक्य बनती है पद से ना, एकदम सही है। और आप लोग भी ये आप लोग भी देना चाहते हो तो आप लोग भी इस क्विज में ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पे आकर। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए, बताइए रवि छत से गिर गया, भास्कर बस पर चढ़ गया, दिनेश सता रहा, आदित्य ने केले खरीदे, तो सकर्मक जिसमें क्रिया भी हो, आदित्य ने केला खरीदा, ये सही है, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक के एक लेख पर, छायावाद बताइए कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद की, स्मिता नंद पंत, तो लिखे हैं मुकुटधर पांडे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो, रघुनंदन, ये कौन लिखे हैं बताइए, रघुनंदन जी कौन लिखे हैं, राम की शक्ति पूजा है या तुलसीदास की है या सरोज स्मृति की, तो राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम, बताइए किनका है, बहुत ही अच्छी है, राम की शक्ति पूजा है, कामयानी का है, तो कामयानी का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब सिद्धि न हो, रघुनंदन, तो ये भी लगता है कि राम की शक्ति पूजा की होना चाहिए, क्योंकि सब जो भी रघुनंदन लास्ट में आ रहे हैं सब राम की शक्ति पूजा में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, छायावाद किस कवि कहते हैं, या छायावाद का सलाका पुरुष कैसे कहते हैं, तो अभी हम लोग जस्ट किए थे ना, लेकिन वो नहीं ऑप्शन में, तो छायावाद का मुझे लगता है स्मितानंद पंत को, नहीं सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं, किस कवि को बोला है, पुरुष बोला था। निम्न से बौद्ध दर्शन से प्रभावित छायावाद और रहस्यवादी कविता का नाम क्या है, जिनका सर्वप्रथम प्रतीक दीपक और बादल है, दीपक और बादल, महादेवी वर्मा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टोटल का 156 है, पर आपको टेंशन मतलब मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेकर जाऊँगा, 10-10 मिनट का वीडियो डालूंगा या 20-20 से 15 मिनट का। किस आलोचना को छायावाद की शक्ति कहते हैं, बताइए नामवर सिंह या रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत काव्य नाम किसने दिया, राजकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राजकुमार, तो आंसर होगा आपको राजकुमार वर्मा, संत काव्य के नाम से दिया, ठीक है।
ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख कवि रैदास, तुलसीदास, गुरु नानक, कबीरदास। तो ज्ञान श्रेयी कौन हो सकते हैं? चलिए ऑप्शन मारे, कबीरदास एकदम सही है। ज्ञान श्रेयी की शाखा प्रमुख कवि हैं तो कबीरदास के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी के पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम, गंगाराम, देवतानंद। तो गोस्वामी के पिता का नाम गंगाराम थे। आत्माराम एकदम सही था, गोस्वामी के पिताजी का नाम आत्माराम, याद रखिएगा। हिंदी में आएंगे आपको, जो भी दृष्टि या यूपीएससी से भी कर रहे हैं ना उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट है। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण करने के वाले विद्वान कौन है बताइए? प्रथम नवजागरण तो डॉक्टर बच्चन सिंह है, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण करने वाले विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है बताइए। तो आपके तुलसीदास होगा, ठीक है, वैराग्य संदीपनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब, वैराग्य संदीपनी। साधना की चार अवस्था शरीरियत, तरीकियत, मार्फियत और हकीकत का संबंध किससे है? तो सूफी साधना से, ठीक है, सूफी साधना। चलिए अब 24 क्वेश्चन आपको मैं टोटल 30 लेकर जाऊंगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। संप्रदाय उनके प्रवर्तक का कौन सा जोड़ा गलत है बताइए? यानी कि जितने भी हैं कोई भी गलत नहीं है, ठीक है ना। बल्बा संप्रदाचार्य के बल्बाचार सही है, रसिक संप्रदाय के निम्बोकाचार सही है, यानी कि कोई नहीं होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संत का परंपरा के अंतर्गत न आने वाला कवि कवि बताइए, इसमें से कौन है? तो नंददास है, बाकी सब आते हैं, कबीर है, दादू दयाल, नानक, ये सब संत हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान मार्गी तो संत कवि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के जितने भी कवि हैं संत कवि से। कबीर के पदों में प्रयुक्त देवर शब्द किसका प्रतीक था? देवर, यस वेट। कबीर के लिए बताइए देवर शब्द किसका प्रतीक है? माया, संसार, अज्ञान, तो संशय के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, इसका रिप्लाई करिए, इसका आंसर कौन सा होगा बताइए? समग्र भक्ति कालन काव्य पर कौन सा स्थिति लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। निर्गुण शाखा कितनी उपशाखा है बताइए? 3, 4, 2 की एक, तो 2 है, ठीक है, 30 जैसा कि मैंने आपको कराया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ज़्यादा लोग देख लॉन्ग देखना लोग पसंद नहीं करते, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट लेकर आऊँगा वीडियो, ठीक है। इस तरह में सब भक्त माल की टीका किसने लिखी है? नाभादास, प्रियादास, रामानंद, आचार्य नंद दुलारे। तो होगा आंसर इसका भक्त माल की टीका लिखे हैं प्रियादास, ठीक है। आपके टोटल 30 कंप्लीट हो गए। और गाइज ये लास्ट में आप लोग के लिए थोड़ा कॉमेंट बताएं, कौन सी रचना जायसी की है? आखिरी कलाम, आखिरी कलाम चित्रवाली, दोनों की चित्रावली है कि सत्यवती कथा है? तो ऑप्शन में बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक।